आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, डिमांड की जा रही है कि हमारे लिए पेंशन पॉलिसी लाई जानी चाहिए। क्या आश्वासन इन्हें मिला, कितनी बातचीत इनसे हुई, आइए जानते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम निर्मल शर्मा है। जी निर्मल जी, क्या कहना चाहोगे, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मांगे जो हमारी बेसिक डिमांड्स उसे पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, ये बार बार हम अपील कर रहे हैं, अली सर से अपील कर रहे हैं कि हमें भी टाइम दो मिलने का। ये कह रहे हैं कि टाइम, जैसे मैम ने बोला है कि कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर से मिलने का टाइम हमें भी दो देना चाहिए, क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए होती है, हम लोगों के लिए होती है ना। सुनो उनकी बात, क्या बात है, क्या बात रख रहे हैं, क्या बात है, क्या चाहते हैं, ये बार बार सड़कों पर क्यों आ रहे हैं ये लोग, महिलाओं को जहाँ महिला सशक्त किया जाता है वहीं पर महिला जो है सड़कों पर। हाँ जी, ये इन्होंने जब आर्डर बनाया है, आर्डर में लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की हुई है। ये हम पूछ रहे हैं इनसे कि आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, ये कहाँ से वुमेन्स एम्पावर है, ये कहाँ से सशक्त हैं, ये नारियाँ जो अपने हक के लिए ये लड़ रही हैं, इनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए। ये 60 साल का रिटायर कर रहे हैं, हम इन्हें बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने पॉलिसी जो बनाई है, एचआर पॉलिसी बनाई है, ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन इनको घर भेज रहे हो, खाली हाथ घर भेज रहे हो, इनके लिए कुछ बिल्कुल पेंशन पॉलिसी चाहिए, ग्रेच्युटी स्कीम चाहिए, कोई वन टाइम सेटलमेंट दो, क्योंकि जो घर जा कुछ ना कुछ लेके जाएं, 40-40 साल एक डिपार्टमेंट को लेके जा रहे हैं, ये खाली हाथ भेजते, इनको कोई थोड़ी वो होनी चाहिए, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। आज हम जहाँ दोबारा चौथी बार महीने में प्रदर्शन के लिए आए हैं, हमारी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई है, कोई अजी साहब ने नहीं पूछा हमें, हमने उनसे टाइम भी मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आंगनबाड़ी वर्कर को टाइम नहीं दूंगा मिलने के लिए। जी वो जानते हैं ना इनकी प्रॉब्लम है, इनकी समस्या है, वो इनको हल करनी पड़ेगी। किसने बोला कि उन्होंने बोला कि टाइम नहीं दूंगा? हमने जिसके हमने जो भेजा था प्रोटेस्ट के लिए, जिसको उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने मना कर दिया है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते जी। वो कैसी सरकार है, वो कैसे एलजी है जो किसी की पुकार नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे है, उन्होंने पता कि औरतें सड़कों पे आई हैं तो इनका मसला मैंने हल करना है, वो क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अगर ऐसे हमें फिर ऐसी एलजी चाहिए ही नहीं। जो हमारी बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वर्कर जो 60 साल की उम्र में रिटायर की गई हैं, उनको कुछ ना कुछ पेंशन स्कीम दी जाए, लगाई जाए, और ग्रेच्युटी दी जाए, 5 लाख रुपया वर्कर और 3 लाख रुपया हेल्पर को दिया जाए, उन्हें खाली हाथ घर ना भेजा जाए, खाली हाथ जाकर वो कैसे अपना जो जीवन है आगे वो कैसे चलाएंगी। अपनी मांगों को आप बार बार दोहरा रहे हैं, अगला क्या कदम आपका रहने वाला है? अभी तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम एलजी साहब से मिलें, अभी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं टाइम लेके देता हूँ डीसी साहब से, डीसी साहब से कहेंगे कि हमें एलजी साहब से मिलवाओ भाई, हम अपनी बात करना चाहते हैं, हर किसी को हर बात का आगे रखने का हक है और बात करने का हक है, वो अपनी बात मनवाए, वो हमारी बात सुने और हमारी बात को समझे, पूरा करें। तमाम ये जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनका कहना है कि हमारे लिए पेंशन पॉलिसी लाई जाए, हमारे लिए कहीं और वन टाइम सेटलमेंट की जो है ऑप्शन भी जो है लाया जाना चाहिए। साफ तौर से कह रहे हैं कि महिला आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, इनकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। फिर मैं हाजिर हूँ, जब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स, बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमू।